ये याद है ना, कल इसको हमने लॉजिकली डिराइव किया था, राइट? कहाँ से डिराइव किया था? फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन. वो क्या था? डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स. और ओमेगा का वैल्यू कितना था? याद आ गया ना? अच्छा, ए किस लिए आया वो भी समझाया था, फाइव किस लिए आया वो भी समझाया था, फंक्शन हमने साइन या कॉस क्यों लिया वो भी समझाया था, राइट? अच्छा, अभी देखो, इफ दिस इज द पोजीशन, बात को समझो. अगर इसको देखोगे ना, अपने दिमाग में एक हमेशा एक पिक्चर बना लेना, तब समझना आसान होगा. एक्स क्या है? एक्स क्या है? देखो, एक्स है तुम्हारा ब्लॉक जो ऑसिलेट करता है ना, उसका पोजीशन कैसे वैरी कर रहा है? वो सिंपल हार्मोनिकली वैरी कर रहा है, राइट? अच्छा, एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा अच्छे से सेट करके रखना, अगर कोई भी प्रॉपर्टी सिंपल हार्मोनिकली वैरी कर रहा है, यहाँ पर मैंने पोजीशन का कहानी बताया, बात समझ में आया? पेंडुलम में कौन सा पैरामीटर सिंपल हार्मोनिकली वैरी करता है? थीटा. अगर मैं इसको जीरो मानूँ, वर्टिकल को जीरो मानूँ, माइनस थीटा नॉट, प्लस फिर से जीरो, फिर प्लस थीटा नॉट, फिर से जीरो, फिर माइनस थीटा नॉट, समझ में आया? तो यहाँ पर तुम क्या कहोगे कि थीटा जो है वो सिंपल हार्मोनिकली वैरी कर रहा है. तो थीटा को जब तुम एक्सप्रेस करोगे वो भी साइन या कॉस फंक्शन में ही होगा, बात समझ में आया? एसी करंट सुनाओगे? एसी करंट, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, हाँ, वो भी जो हमारा एसी करंट है ना, जो हमारे घर पे आता है, वो भी सिंपल हार्मोनिकली वैरी करता है. सिंपल हार्मोनिकली वैरी करता है मतलब दिमाग में फटाफट तुमको अगर एक पिक्चर इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करोगे? एक ग्राफ इमेजिन करोगे आई वर्सेस टी का, दिख गया दिमाग में? एक्सिस बन गया, एक आई बना वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट कर दिया? टाइम. और आई का वेरिएशन कैसा होगा? ऐसा होगा, साइन कर्व जैसा. आई का वैल्यू पहले जीरो होगा, फिर बढ़ के आई नॉट, आई नॉट से घट घट के क्या होगा? फिर से जीरो, जीरो से इंक्रीज होता है तो फिर माइनस आई नॉट. माइनस का मतलब है कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, समझ में है? तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि सिंपल हार्मोनिकली वैरी कर सकता है. तो ऐसा मत समझना कि सर सिर्फ पोजीशन ही हो सकता है जो कि सिंपल हार्मोनिकली वैरी करता है, ऐसा नहीं है. हमने अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया, वहाँ पर एक्स जो है वो सिंपल हार्मोनिकली वैरी करता है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैंने पेंडुलम लिया तो पेंडुलम के केस में क्या होगा? थीटा, थीटा वैरी करेगा. एसी करंट लिया तो आई सिंपल हार्मोनिकली वैरी कर रहा होगा. वोल्टेज, एसी वोल्टेज वो भी सिंपल हार्मोनिकली वैरी कर रहा होगा. मतलब तुमको बस यही देखना है कि अगर तुमने, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है और वो सिंपल हार्मोनिकली वैरी कर रहा है, मतलब उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं साइन फंक्शन ले रहा हूँ या कॉस फंक्शन ले रहा हूँ, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए, ओके भाई, ये तो सिंपल हार्मोनिकली वैरी कर रहा है. ठीक है, थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचना फिलहाल, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल. यहाँ पर मैंने पोजीशन लिया, वहाँ पर मैं आई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखता अगर करंट होता, वोल्टेज होता तो वी इक्वल टू वी नॉट लिखता, वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज होता, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो फिलोसॉफी है वो सेम रहा है, समझ में आया? याद है ना मैंने ये बताया था कि ये क्या, दिस इज फेस, बिकॉज एक्स को बदलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? इस ब्रैकेट के अंदर का जो एंगल है उस पे है, बिकॉज ये तो कॉन्स्टेंट है, इसके साथ तुमने साइन ब्रैकेट सम एंगल मल्टीप्लाई किया है. एज टाइम वेरीज दिस क्वांटिटी विल वेरी, इफ दिस क्वांटिटी वेरीज साइन का रिजल्ट एंड आउटपुट भी वेरी करेगा, अकॉर्डिंगली एक्स का वैल्यू क्या होगा? वेरी करेगा. तो एक्स मतलब उस ब्लॉक का पोजिशन इस कहानी में, तो उसका स्टेट कैसा, उसका फेस कैसा, उसका कंडीशन कैसा है, वो सारा का सारा ओमेगा टी प्लस फाइव पर डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेस. फेस मतलब समझ में आता है? स्टेटस, कंडीशन. इज दैट क्लियर? और यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव जो होता था उसको हम इनिशियल फेस कॉन्स्टेंट बोलते हैं, उसको एक एक्स्ट्रा वर्ड दिया इनिशियल. क्यों? क्यों? बिकॉज जब हम टी जीरो पुट करेंगे तब एक्स का वैल्यू कितना होगा वो फाइव डिसाइड करेगा. फाइव अगर थर्टी हुआ तो एक्स का वैल्यू ए बाई टू होगा, फाइव अगर जीरो हुआ तो एक्स का वैल्यू जीरो होगा, फाइव अगर नाइनटी हुआ तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? ए होगा, समझ में आया? तो फाइव तुमको ये बताएगा कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो तुम्हारा पार्टिकल जो कि एस एच एम कर रहा है उसका कंडीशन कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है, उसका मतलब फेज कैसा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज कॉन्स्टेंट. ओके फाइन. एस एच एम का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये था, मैंने अपना डिस्कशन इसी से चालू किया था कि ये जो मोशन होता है वो पीरियडिक होता है, इट विल रिपीट इट सेल्फ आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. डू एग्री विद दिस? अभी हम निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्स का पीरियड क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्स का पीरियड? फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू जीरो में एक्स का कुछ वैल्यू होगा, राइट? से एट टाइम टी इक्वल टू जीरो कैन यू से एक्स का वैल्यू कितना होगा? ए साइन ओमेगा टी के जगह जीरो प्लस क्या हो गया? फाइव.
क्या हो गया ए साइन फाइव, दिस इज अ टाइम इक्वल टू जीरो. डू एग्री विद दिस? डू एग्री विद दिस? फिर से कितने टाइम के बाद एक्स का वैल्यू फिर से ए साइन फाइव होगा, वो टाइम निकालेंगे हम कितने टाइम के बाद. इज दैट क्लियर? एंड ए साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का पीरियड कितना होता है? टू पाई होता है, नहीं होता? साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है? टू पाई होता है. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स टू पाई एंगल के बाद फिर से ये क्वांटिटी जो है अपना वैल्यू फिर से क्या करेगा? रिपीट करेगा, ठीक है ना. सो टी का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? टी का वैल्यू कितना पुट करोगे ताकि इस वाले एक्सप्रेशन का रिजल्ट ए साइन फाइव ही आए? ट्राई टू कम ऑन टेल मी. मैंने बताया कि पीरियड क्या होता है साइन फंक्शन का? टू पाई. इज दैट क्लियर? तो कितना टाइम के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो आंसर आएगा टी पुट करने के बाद फिर से क्या आएगा? ए साइन फाइव ही आएगा. कैन यू टेल मी? 2 पाई. इट्स नॉट एक्चुअली 2 पाई बिकॉज देखो टाइम के साथ एक ओमेगा मल्टीप्लाई करके रखा है. फॉर टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा लिखना पड़ेगा बिकॉज भाई ओमेगा चिपका हुआ है टी के साथ, है ना. बट ओमेगा टी का रिजल्टेंट वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 2 पाई होना पड़ेगा, तब ना 2 पाई प्लस 5 आएगा. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? ओमेगा ओमेगा तो कैंसिल आउट होना पड़ेगा ना, तभी ना 2 पाई बचेगा. तो 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद पर हम ये देखते हैं ए साइन ओमेगा टी के जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ पर हमने 5 पुट कर दिया. तो ये कितना हो गया? दैट इज ए साइन 2 पाई प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा? ए साइन 5 हो गया. दैट मीन्स एक्स का वैल्यू व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई बाय ओमेगा बिकॉज एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अगर तुमको मन करे तुम ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो ना. तो टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा क्यों डिवाइड किया? लॉजिक समझ में आया? बिकॉज टी का एक कोफिशियंट है, उसको गायब करना है ताकि सिर्फ 2 पाई बचे, तो 2 पाई बाय ओमेगा. तो आज के बाद से हमेशा याद रखना कि टाइम पीरियड जो होता है क्या होता है? टाइम पीरियड, उसका वैल्यू क्या होता है? हमेशा 2 पाई बाय ओमेगा. इज दैट क्लियर? अभी ओमेगा क्या है वो हमने पहले से लिख कर रखा है, रूट ओवर व्हाट? के बाय एम. सो दिस इज 2 पाई. ओमेगा तो नीचे है, जब वैल्यू पुट करूंगा तो ये चीज क्या हो जाएगा? रिवर्ट हो जाएगा. यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम बाय के. समझ में मैंने क्या कहा? तो ये जो टाइम पीरियड निकालने के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत क्वेश्चंस. तुम्हारे पास एक प्लास्टिक का बॉल है, वो जो फ्लोट कर रहा है, फील करो. उसको मैंने थोड़ा पकड़ के ऐसे प्रेस करके छोड़ दिया, तो प्लास्टिक का बॉल क्या करेगा? अरे ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऑसिलेट करते रहेगा, नहीं रहेगा? बात समझ में आने नहीं आ रहा? तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता, बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है. समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? एक अर्थ है, अर्थ के अंदर तुमने एक टनल बनाया, कराऊंगा ये सब क्वेश्चंस. टनल में तुमने एक पार्टिकल को छोड़ दिया, वो पार्टिकल फाइनली अर्थ के सेंटर के पास जाएगा, अर्थ का सेंटर उसको खींचेगा, फिर जब उस पॉइंट को क्रॉस करके फिर सेंटर को जब छोड़ के दूसरी तरफ जाएगा अर्थ, उसको फिर उल्टा खींचेगा, तो वो पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा. वो भी SHM होगा, दिखाऊंगा पहले. लेकिन तुमको कैसे पता SHM? फिर से कल रिकैप, कैसे पता SHM? देयर हैज टू बी द प्रेजेंस ऑफ ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर एनर्जी के टर्म्स में बताना चाहोगे. और सेकेंडली उस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. द फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स. कल ही पढ़ाया था, समझ में आया ना? तो चलो उसका भी रिकैप, ये सब आएगा. टाइम पीरियड हो गया. ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सबको इसका डेफिनेशन तो पता ही है. दिस फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, राइट? दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. द फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं? दैट इज इनवर्स ऑफ व्हाट? टाइम पीरियड. और ये कितना हो जाएगा भाई? दैट इज 1 बाई 2 पाई. ऊपर क्या जाएगा? के बाई एम. तुमको पता है ना कैसे आता है ये? कैसे आता है? टी सेकेंड्स में, टी मतलब 20 सेकेंड्स में एक ऑसिलेशन होता है, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा? डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा, ऐसा आ जाता है ये फ्रीक्वेंसी. इज दैट क्लियर? पक्का? रुको रुको रुको, वेट. तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया. अभी फिर से और एक बार, एक्स का वैल्यू कितना है? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. इसको अगर इमेजिन करोगे, ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है एम मास का. नाउ दिस इज एट एक्स इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? एट टाइम टी इक्वल टू 0, लेट अस से ब्लॉक कुछ यहाँ पर है, दिस इज एट टाइम. अच्छा, टाइम टी इक्वल टू 0 नहीं बोलता, एट एनी टाइम टी ब्लॉक इस जगह पर, क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है. समझ में आया? टी टाइम में मैंने फोटो खींचा तो फोटो ऐसा दिख रहा है. ब्लॉक कहाँ पर है? ब्लॉक यहाँ पर है.
इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? लेट अस से इसका पोजीशन क्या है, एक्स। लेट अस से इसका वेलोसिटी वी होगा इस तरफ, लेट अस से। और एक्सीलरेशन किधर होगा? कल ही बताया था, फोर्स हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ पॉइंट करता है, और फोर्स से ही एक्सीलरेशन आता है। तो अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सीलरेशन हमेशा किस तरफ होगा? दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ तरफ पॉइंट कर रहा होगा। बात समझते हो? अच्छा, क्लियर है। हमको ये समझ में आ चुका है सर कि x का वैल्यू जो है वो क्या होता है, बदलते रहता है। x जीरो होगा, फिर प्लस a होगा, फिर जीरो होगा, फिर माइनस a होगा, फिर जीरो होगा, फिर प्लस a होगा, और ये चलता जाएगा। क्या वेलोसिटी नहीं बदल रहा ब्लॉक का? इज वेलोसिटी ए फंक्शन ऑफ टाइम? यस, क्योंकि सर ब्लॉक जब मीन पोजीशन में होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, जब एक्सट्रीम में जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर से बढ़ के मीन में मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होते 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 एक्सट्रीम में क्या होगा, जीरो। तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, राइट? तो अगर हमको एक्स पता है और हमको किसी ने पूछ दिया भाई ये बताओ कि इस ब्लॉक का वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो इट्स वेरी इजी, राइट? इफ़ यू हैव एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यू सिंपली डिफरेंशिएट बोथ द साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड यू गेट द वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? सो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ डी एक्स बाई डी टी, दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये कोई मैं कॉन्स्टेंट नहीं निकाल रहा, बात को समझो। यहाँ पर मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या होगा। फंक्शन समझ में आता नहीं आता? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इज द फूड, वाई इज द आउटपुट। एक्स खिलाओगे तो वाई एक्स को प्रोसेस करके रिजल्ट देगा। यहाँ पर तुम टाइम पुट करोगे तो वी वाला फंक्शन तुमको क्या बताएगा कि उस टाइम में उस ब्लॉक का कितना वेलोसिटी था, राइट? सो लेट अस डिफरेंस बोथ द साइड्स। ये रख दिया साइन तो कॉस हो जाता है ना, लेकिन साइन थीटा तो नहीं, ओमेगा टी प्लस फाइव है, बताया था ना, दिस इज द ट्रबल्ड पार्ट। इसको हम बक्से के अंदर रखेंगे, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल। तो साइन थीटा को कॉस थीटा लिख दिया, और थीटा जिसको माना उसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है ना। तो ओमेगा टी प्लस फाइव को अगर मैं और एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसको डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ ओमेगा बचा, फाइव जो कि एक कॉन्स्टेंट है उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या बचा, जी। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा? सो वेलोसिटी हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है? क्या वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है? अरे यार तुमको तो अभी तो समझाया था इस टाइम के लिए। मैंने बोला था कि किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला अगर साइन या कॉस होता है वो चीज़ सिंपल हार्मोनिकली वेरी करता है। खुद इमेजिन करो ना, इसका वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा भी हो सकता है। कॉस का वैल्यू जब वन होगा तो प्लस ए ओमेगा, कॉस वाले फंक्शन का वैल्यू जब माइनस वन होगा माइनस ए ओमेगा। और यहाँ पर प्लस या माइनस सिर्फ तुम्हारे वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आता मैं क्या कह रहा हूँ? प्लस या माइनस सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। और वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे, कॉस फंक्शन जैसा है, ऐसा होगा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक के लिए वेरी करेगा। वेलोसिटी विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, टू पाई यू नो टू पाई बाई ओमेगा टाइम के बाद जितना वेलोसिटी था एट दैट इंस्टेंट वो वैसा ही वेलोसिटी फिर से आने वाला है। समझ में आया? फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी पैरामीटर अगर सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है, मतलब उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम साइन या कॉस ले रहे, तुमको दिख रहा है कि वो साइन फंक्शंस एक्सप्रेस हो रहे हैं या कॉस फंक्शंस एक्सप्रेस हो रहे हैं, सीधा सीधा क्या बोलोगे, ये सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है। वेलोसिटी का वैल्यू ए ओमेगा में मैक्सिमम होगा, मीन पोजीशन में मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, हो गया ना सिंपल हार्मोनिकली वेरिएशन। ओके फाइन, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर तुमको कोई पूछे मैक्सिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सीधा सीधा क्या बोलना है, ए ओमेगा। और ये कब होगा, ये कब होगा, जब स्प्रिंग का कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में मैंने क्या कहा, एग्जैक्टली। लेकिन ये सिर्फ ये मैं हॉरिजॉन्टल के केस के लिए बोल रहा हूँ, वर्टिकल ऑसिलेशन भी हो सकता है। वर्टिकल ऑसिलेशन के केस में मैं अलग से एक डिस्कशन करूँगा, उसको अच्छे से समझाऊँगा। बात समझ में है? अभी लेट अस कीप द थिंकिंग थिंग्स सिंपल। मैं बस तुमको यही बता रहा हूँ कि अगर ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है एंड इट इज़ परफॉर्मिंग ए हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन, इस ब्लॉक के पास मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगा, व्हेन द ब्लॉक विल बी एट इट्स मीन पोजीशन, व्हेन द स्प्रिंग विल बी एट इट्स नेचुरल लेंथ। बिकॉज इन दैट केस उस स्प्रिंग के पास जितना पोटेंशियल एनर्जी था सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. इज दैट क्लियर? जब ये ब्लॉक यहाँ पर, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी. और वेन द ब्लॉक मूव्स अहेड एंड देन कम्स बैक अगेन एंड फाइनली इस जगह पर पहुँचता है. मेन पोजिशन का पहचान क्या है? मेन पोजिशन का पहचाने के उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा. जब यहाँ पर पहुँचता है, स्प्रिंग इस पर कोई फोर्स नहीं लगा था. इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ को अटेन कर चुका है. और यहाँ पर तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड. क्यों? इसलिए सर, बिकॉज ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज के एक्स. स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो एनर्जी को कभी भी वेस्ट नहीं करता. एनर्जी अगर निकालेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और देगा तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक बना के देगा. तो हमेशा जो एनर्जी है वो बाउंस करते रहता है बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल. कभी कभी पूरा का पूरा पोटेंशियल हो जाता है. कब? व्हेन द ब्लॉक इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, प्लस ए में जब ब्लॉक रहेगा या माइनस ए में जब ब्लॉक रहेगा, तब फुल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा. काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो. लेकिन वही ब्लॉक फिर से जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा या मीन पोजीशन पे आ जाएगा, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा इस हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन में, तब पूरा का पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो सीधा सीधा बोला जाए, ब्लॉक के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे होगा. एंड एट दैट मोमेंट, जैसे कि हमने जस्ट नाउ निकाला, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है? ए ओमेगा होता है. उसी मोमेंट में मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ए ओमेगा. तो आगे से हमेशा याद रखना कि इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ जा रहा था इस तरफ होगा, इस तरफ जा रहा था इस तरफ होगा. मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा? ए ओमेगा. एंड दैट विल बी एट इट्स मेन पोजीशन. बात समझ में? जब उस पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है. सब तो ऊपर से जा रहा होगा तुम दोनों का आज. कैसे, कल वीडियो देखा था? सच्ची में देखा था? चलो लेट्स सी. देखो, वी मैक्स हो गया ए ओमेगा, करेक्ट. एक्स का कहानी बता चुका, करेक्ट. डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का कहानी बताया. अभी लास्ट किसका कहानी बताती? एक्सीलरेशन का. लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स. एंड आई थिंक सो यू शुड हैव दैट कॉमन सेंस कि सर कॉस को डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर से साइन ही आएगा. मतलब एक्सीलरेशन भी एक साइन फंक्शन ही होगा. मतलब एक्सीलरेशन भी सिंपल हार्मोनिकली वैरी कर रहा है. इज दैट क्लियर? नमन, तू लटक जाएगा. तो ऑलमोस्ट मिडवे में है. मतलब तो एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. क्या होगा? ए ओमेगा को तो ऐसे रख दिया, इसको छेरा नहीं. डिफरेंशिएट करेंगे तो किसको करेंगे? कॉस को. कॉस क्या आ जाएगा? अरे सुनो तो सही. हाँ, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. और एक बार ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करना है तो क्या बच जाएगा? क्या होगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. बोलो, समझ में आया नहीं आया? अगर एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू पूछो कि भाई ये बताओ कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, डायरेक्शन डेफिनेटली बदल सकता है. कभी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, कभी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा. मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा? ए ओमेगा स्क्वायर. ए ओमेगा स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखना है. इज दैट क्लियर? वीडियो में आ रहा है ना नीचे तक? ठीक है. अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं. लेट्स राइट इट हियर. तुमको याद है ना, दिस इज ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स. अरे एक्स को डबल दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? पहले वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स. इज दैट क्लियर? ये तो वैलिड होना चाहिए, यहाँ पर भी वैलिड होना चाहिए, है ना? तो ये काम करो, माइनस को वैसे रख दो, ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाओ. तो हम यहाँ पर ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, माइनस ओमेगा स्क्वायर. हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर को अलग से कर रख दिया और बचा सिर्फ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुमने इसको पहले कभी देखा है? यस सर, देखे एकदम स्टार्टिंग में, आपने यही लिया था. एक्स का वैल्यू कितना है? दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. बात को समझो सर, क्या है ये? क्या है? दिस इज एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. अलग अलग लोकेशन पे अगर तुम पूछोगे सर एक्सीलरेशन कितना है बताओ, तो मैं बताऊंगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. नहीं सर, मुझे एक्स के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे टाइम के हिसाब से निकालना कि किस टाइम में कितना एक्सीलरेशन है, तब ये फंक्शन यूज करो. माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव.
दिस इज ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इन कनेक्शन विद दिस जो कि हमने पहले भी निकाल लिया था एंड दिस इज ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिस इज वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अभी आगे जाके मैं तुमको वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स भी डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है ना. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं उससे, ठीक है. चलो सिर्फ समर्पित इधर 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 लेट्स स्टार्ट ऑफ. मैंने क्या कहा था, नाउ वी शैल एक्सप्रेस वी क्या एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना. बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है. क्या मैं एक्स बाई ए को साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूँ? ओके. क्या मैं वी बाई ए ओमेगा को कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूँ? जैसे दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, एंड कैन यू गेस मैं क्या करने वाला हूँ? स्क्वायरिंग एंड एडिंग. साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, क्या आएगा दिमाग में? हमको तो टाइम नहीं चाहिए ना. डू वी नीड टाइम? डू वी नीड टाइम? हमको टाइम नहीं चाहिए, हमको टाइम को निकालना है, हटाना है. तुम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग. इससे क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या जाएगा? वन आएगा ही नहीं. तो अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा तो क्या मिलेगा? दैट इज वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर गिव्स क्या आ जाएगा? देखो, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. और नमन क्या आएगा? ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? वन. हो गया ना, डन. बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक्स ही बचा. अभी बस इसको थोड़ा सजा के लिखना है. वन माइनस, ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर. एक मिनट. हाँ, ऐसे लिख सकते हैं? कम ऑन. अरे क्या क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. ए स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ चला गया. तो क्या मैं वी को लिख सकता हूँ? ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना. हो गया, ये हमारा नया एक्सप्रेशन. वी हैव एक्सप्रेस वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स. रोशनी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अनुरंजन यही है ना तेरा नाम? ठीक 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 ठीक, ये समझ में आया पक्का? नवन क्लियर है ना? सो वी एक्सप्रेस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो ये एक सेक्शन ऑफ कहानी कंप्लीट हुआ, ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू अ न्यू कंसेप्ट. इसको पॉज कर.